नमस्कार, रिचा रियल वेजिस में आपका स्वागत है। आज मैं मूंग की दाल की खस्ता कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। चलिए खस्ता कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा ली है। इसमें 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच अजवाइन, उसको क्रश करके डालेंगे। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/4 कप ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। 1/2 इस तरह मोयन, इसमें मोयन अच्छे से पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो लगा लेंगे चपाती जैसा। ये हमने सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया। ये मैदा हाथ में चुपक रही हो, थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा सकते हैं। अब इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 1/2 कप दाल को हमने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। दाल को हमने एकदम सूखा कर लिया, पानी नहीं रखा। इसे सूखा सूखा दरदरा पीस लेंगे। इसे पानी नहीं डालेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून करीब ऑयल डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटक जाए। 1 चम्मच दरदरी सौंफ, इसको हमने दरदरा पीस लिया। 2 पिंच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब दाल को डाल लेंगे। एक चौथाई कप बेसन, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसे मिला लेते हैं। दाल और बेसन को खूब अच्छे से भूनेंगे। 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे, इसे बारीक बारीक काट लिया। धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर हम बाद में डालेंगे। 1 चम्मच अदरक को घिस के लिया, वो डाल देते हैं। 1/2 चम्मच सफेद नमक, 1/2 चम्मच काला नमक मिला लेते हैं। काले नमक से स्वाद बहुत अच्छा आता है। दाल अच्छे से भुन चुकी है, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/4 से भी कम बेकिंग सोडा डाला। इसको अच्छे से चला लेंगे। 2 चम्मच धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, हमने इसे पाउडर बना दिया है। स्टफिंग रेडी हो गई। इसे हम ठंडा करने के लिए 1 प्लेट में निकाल ले के रख लेते हैं। अब हम आटे की लोइयां बनाएंगे।
जितनी बड़ी आप कचौड़ी बनाना चाहें उतनी बड़ी लोइयाँ बना लें। एक लोई उठाएंगे, उसको थोड़ा बेलेंगे, इसमें मसाला भरेंगे, इसी प्रकार सारी कचौड़ियाँ बेल के भर लेंगे। अब जिस प्रकार की बनाना चाहें, बड़ी बनाएं तो ज़्यादा मसाला भर लें, छोटी बनाना चाहें तो छोटी छोटी बना लें। ऑयल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम कचौड़ियाँ सेकेंगे। आंच को धीमी रखेंगे, धीरे धीरे कचौड़ी गर्म ऑयल होता जाएगा वैसे ही ऊपर आती जाएगी। कचौड़ियाँ ऊपर आ गई हैं, इनको हम पलट लेते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, जिससे फटे नहीं। कचौड़ी हमेशा धीमी आंच पे सेकी जाती है, जिससे अच्छी बनती है, अंदर तक पक जाती है पूरी पूरी। कचौड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं इस तरह से किनारे पकड़ते हुए, एक्स्ट्रा वाली कढ़ाई नहीं चला जाए। इसी प्रकार हम अपनी सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे। मूंग की दाल की खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है।